हेलो एवरीवन, सो आज देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे होने वाले हैं। यू वर्सेस एंड देम की ये रीडिंग है। तो जो लोग कांटेक्ट में अपने पर्सन के साथ हैं ये उनके लिए भी रीडिंग है, और जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है आज। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या एनर्जी स्थितियाँ रह सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसकी मैं डिटेल्स अपने इंट्यूशन से आपको दूंगा। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए है। एंड न्यू टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद, पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे जिसे भी आप डील कर रहे हैं, और नेक्स्ट फिर उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या कुछ हो सकता है आप लोग के बीच में, क्या कुछ अगले 7 दिन रहेंगे आप दोनों के बीच में। तो लेट्स सी क्या कुछ है। पहले हम अपने आपके पर्सन के डिटेल्स देखते हैं। लेट्स सी एनर्जीज है आपके पर्सन की, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ये कार्ड आ रहे हैं। बहुत अमेजिंग कार्ड है। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जीज जा रही है आपके लिए वो बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल अमेजिंग है, 100% अमेजिंग है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। लेट्स सी देखते हैं क्या कुछ है। पहले हम डिस्क्राइब करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो देखिए कुछ बहुत फास्ट, देखिए यहाँ तो डायरेक्ट मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट 7 डेज जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है तो प्लीज़ वहाँ आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट उनका मैसेज आ रहा है आपके पास। वो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं या खुद भी अपीयर हो सकते हैं बहुत फास्ट। तो ये एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। मूवमेंट है, मूवमेंट का कार्ड है, कोई फास्ट पेस चेंज हो सकता है उनकी एनर्जी में। जो आप नो कांटेक्ट में चले गए थे तो यहाँ फास्ट पेस चेंज हो सकता है। एक्शंस आने की पूरी उम्मीद है, अगर नो कांटेक्ट में है तो एक्शंस आने की पूरी उम्मीद है। तालमेल बिगड़ गया तो अलाइनमेंट आएगा वहाँ पे, बहुत स्पीड से उनका मैसेज आ रहा है। और जो नए नए लोग हैं अभी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप अब फास्ट प्रोग्रेस करेगी, तो नए लोग के लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। अगला 7 दिन प्रोग्रेस होगा रिलेशनशिप, कुछ क्विक डिसीजंस ले सकते हैं आपके पार्टनर, कुछ क्विक डिसीजन लेंगे, 100% लेंगे। एंड कोई सडन चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो कोई प्रपोजल दे दें आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट भी है, बहुत एक्साइटमेंट है, एक फ्रीडम है आपकी, उनके विचार में एक फ्रीडम मुझे नज़र आ रही है। हॉलीडे पे भी जाने की सोच रहे हैं वो आपके साथ, अगर रिलेशनशिप में हैं तो हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं। कुछ आगे ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने के चांस हैं आपके पर्सन से। नो कांटेक्ट में है या कुछ अप्स डाउन्स चल रहे हैं तो वहाँ कुछ सोल्यूशन निकल सकते हैं, सोल्यूशन निकालने के फेर में है आपके पर्सन। एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं आपके लिए, और आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं फिर से अगर नो कांटेक्ट में है तो। एंड नए रिलेशनशिप में है तो वहाँ तो एनर्जेटिक पॉजिटिव तो है ही, तो ऑब्सेशन है, बिल्कुल ऑब्सेशन है आपका अभी। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे साफ बता रहा है कि अभी आपके पर्सन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, थोड़े से अट्रैक्शन का पॉइंट बने हुए लोगों के लिए, लेकिन आपकी चाह है उनको और बहुत ही फ्रूटफुलनेस भरा ख्याल उनके मन में आ रहा है। आपके साथ समय बिताना सोच रहे हैं, एक अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं वो आपके साथ। तो यहाँ आपको एक फ्रूटफुलनेस भरा समय देने की सोच रहे हैं आपको पर्सन, कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, उनको कुछ गिफ्ट भी चाहिए आपसे, तो वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो क्यों ना वो चाह रहे हैं कि मुझे भी एक गिफ्ट मिले आपके तरफ से जो थोड़ा कीमती हो और याद रखने लायक हो। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आप ही को और चाह रहा है कि आप इनिशिएट करें, क्योंकि सबके केसेस अलग अलग हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं। कुछ पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे ऑफर दे और या सामने वाला चाह रहा, तो यहाँ इस केस में मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में तो बहुत प्यार है, लेकिन आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इनिशिएट आप करें, क्योंकि मुझे लगता है कि खाली में उनको कुछ सक्सेस मिली है, अच्छी सक्सेस मिली है, तो थोड़ा सा ईगो में भी है। दसन बिल्कुल, जिनके रिश्ते बिगड़ चुके थे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे तो लगता है साफ कि सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। रियूनियन नहीं है तो वहाँ रियूनियन होगा,
नया रिलेशनशिप है तो एक ब्राइट फ्यूचर होगा, तो 100% एक ब्राइट फ्यूचर की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे। और उनका जो भी ख्याल है आपके लिए बिल्कुल ही प्रकाश से भरा है, बिल्कुल वो चाहते हैं कि हाँ अब ये रिलेशनशिप जो है इसको एक नाम भी दिया जाए और एक सम्मान भी दिया जाए और प्रोग्रेस होगी। वो अपना जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करने के मूड में है, एनर्जी इतनी अच्छी आ रही है उनकी कि वो बिल्कुल ही ब्राइट, आपका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो लाइफ में। बैलेंस, जहाँ बैलेंस नहीं आ पाया रिश्तों में तो आपके पर्सन, कुछ पर्सन चाह रहे हैं कि रिश्तों में बैलेंस लाया जाए। इस केस में कुछ पर्सन कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। अगर कांटेक्ट में है तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप, तो वहाँ पे बैलेंस लाने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। एनर्जी उनकी यही है कि बैलेंस लाया जाए एनी हाउ। और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ भी आपके पर्सन उसी एनर्जी में है कि इस रिलेशनशिप को वजूद में जल्द से जल्द ला के सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म कर दिए जाए और बैलेंस लाया जाए। रिलेशनशिप बैलेंस में जब तक नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये हो गया आपके पर्सन की एनर्जी। अब आपकी एनर्जी को पहले हम मिलाएंगे और फिर प्रयास करेंगे देखने का कि कब तक क्या कुछ हो सकता है। देखिए आपका तो दिल बिल्कुल ही एस ऑफ कप्स से भरा है। एस ऑफ कप्स यानी कि सिर्फ प्यार, प्यार ही है आपके मन में और भरपूर प्यार है। आप चाह रहे हैं कि चीज़ जल्दी हो, आपके पर्सन जल्दी से आए, विन हो आपकी, आपकी विन हो और आप के पर्सन जल्द आए, एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और आप पूरे प्यार को समेटे हुए हैं, अपने दिल में समेटे हुए हैं अपने प्यार को। आपकी तो एनर्जी यही बता रही है, जब भी वो आएंगे पूरा आप ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एक नया बिगिनिंग फिर से शुरू हो और फिर से एक रोमांस शुरू हो जिससे कि आपका फुलफिलमेंट हो। और जिन लोगों के न्यू कमिटमेंट्स चल रहे हैं, न्यू रिलेशन चल रहे हैं, नया नया रिलेशन हुआ है, वहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप मिलने वाला है, इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। नया लव मिल सकता है, एक बिगिनिंग हो सकता है, रोमांस से भरपूर रहेगा। कुछ लोग जो है बिल्कुल ही सोशलाइजिंग में हैं आप लोग में से, तो वहाँ बिल्कुल अच्छी बिगिनिंग, न्यू फीलिंग्स वाले पर्सन आपको मिल सकते हैं। इमोशंस हाई रहेंगे आपके एंड नेक्स्ट 7 डेज तो बहुत ही इमोशंस हाई रहने वाले हैं आपके, क्योंकि आपके पर्सन को का आपको मैसेज आ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है उसको लेके आप एक्साइटेड रहेंगे। इंट्यूशन से काम लीजिए, ये कार्ड बता रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हो सकती है आपकी। आपके पर्सन की एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस समय। आपकी एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये उन लोगों के लिए कार्ड है जिनके लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है प्यार के सिवा। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो या आप सिंगल काफ़ी समय से। मुझे लगता है कि आप, मुझे लगता है कि एल्डर पर्सन है, कुछ एज ज़्यादा है आपकी, लेकिन आप काफ़ी समय से सिंगल हैं। आपके पास सब कुछ है, आप एलिजिबल है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास प्यार की कमी है। तो नए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़े से 7 डेज मुझे लगता है कि थोड़े से आपको सोचना चाहिए आगे, थोड़ा सा आप सोचो तो थोड़ा सा आपको और सोशलाइजिंग करना चाहिए। वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकता है एंड आप बिल्कुल एलिजिबल पर्सन है, तो थोड़ा सा अपना जो सोशल दायरा है उसको बढ़ाइए। नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है ऐसे पर्सन का जो सब कुछ एलिजिबल है लेकिन उनको नए प्यार की तलाश है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्यार के प्रति भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी सोशली कीजिए या कोई ग्रुप में जाइए या लोगों के साथ मिलिए जुलिए, वहाँ से कोई निकल के आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे ठीक ही लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। हर तरह के पर्सन हैं तो सबको हर तरह के कार्ड्स, सबको अलग तरह के मैसेजेस आ सकते हैं। देखिए वेटिंग में है आप, 7 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग में है, बिल्कुल वेटिंग में है ये कार्ड, बिल्कुल मेल खाता हुआ। नेक्स्ट 7 डेज आप वेट में रहेंगे। हो सकता है आपने किसी को मैसेज दिया है या किसी को लव ऑफर दिया है आपने, या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने, उनको अपनी बात बता दी है, तो वहाँ से मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार है। वहाँ से भी थोड़ी सी वाइब आई है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वहाँ से आपको मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर कुछ मैसेज आ सकते हैं या कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज और देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वैंड, ईगो को थोड़ा छोड़िए, ईगो को थोड़ा छोड़ना होगा आपको। अगर आपको प्यार चाहिए तो थोड़ा सा ईगो को छोड़ना होगा, बाकी आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं।
आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अगर रीयूनिक के सोच रहे हैं तो आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, आपके पर्सन को भी पता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन आपको लेने होंगे, थोड़ा सा ईगो को छोड़ना होगा, थोड़ा बोल्ड बनना होगा, क्योंकि बोल्डनेस का कार्ड तो है ही, आपको डिवाइन का आशीर्वाद है। फ्रेंडली रहिए, कुछ फ्रेंड्स में से ही कोई निकल के आ सकता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, या तो रियूनियन के लिए, नहीं तो अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रेंडली होने के लिए ही बताया जा रहा है। बाकी हो सकता है कि कोई आपको कोई मैरिड पर्सन आपको ऑफर दे दे, मुझे लग रहा है, या डाइवोर्सी पर्सन आपको ऑफर दे सकता है। तो आपके पर्सन और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हद तक बहुत सही है। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड से कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन के साथ कब आपका रियूनियन होगा, और अगर न्यू लव चाह रहे हैं, न्यू रिलेशन चाह रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ से कब तक अच्छी सी रिप्लाई आएगी, ये चीज़ हम देखते हैं एंजल कार्ड से। टाइमिंग निकालने की कोशिश करते हैं, इससे आपको भी पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो सकता है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्या कुछ हो सकता है। आपके पर्सन के साथ टाइमिंग निकालते हैं कब कुछ क्या हो सकता है। लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर, कुछ लोग को इन द नियर फ्यूचर टाइमिंग यहाँ पे इसमें निकल के नहीं आई, लेकिन अगर प्रयास आप कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट में बने हुए हैं, तो इन द नियर फ्यूचर यहाँ रियूनियन का कार्ड मुझे लग रहा है। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों का रियूनियन के चांसेस हैं। तो विश करते रहिए, आपको सब चीज़ पॉजिटिव ही रिप्लाई मिलेगा आपको आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी देखते हैं और क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोग के लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग है, यानी कि मुझे लगता है कि 8 से 7 दिन के अंदर में बहुत सारे लोगों को, अगर नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो वहाँ से आपको भी वाइब आएगी, और नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं तो वहाँ से मैसेजेस आ सकते हैं। बहुत अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग है। काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट 7 डेज काफ़ी अबंडेंस, देखिए अबंडेंस भी आ रही है, क्योंकि ये मुझे यू वर्सेस देम की रीडिंग है और आपके पर्सन की रीडिंग है, तो यहाँ पे लेकिन अबंडेंस आया है, तो मुझे बताना होगा कि जो पर्सन आपके साथ डील जिसके साथ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ रही है। सॉरी, लेट्स सी और देखते हैं क्या कुछ है। वेट, थोड़ा कुछ लोग लिए वेट हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ईगो को छोड़ना होगा, थोड़ी सी आपको लोगों से सोशलाइजिंग करनी होगी, मेल मिलाप करना होगा, और डिसीजन अचानक से भी नहीं लेना है, तो थोड़ा सा वेट करके डिसीजन लीजिए। लेट्स सी और देखते हैं क्या है। टाइमिंग में देखना चाह रहा हूँ कि और क्या कुछ निकल के आ सकता है। नॉट द राइट टाइम, देखिए यहाँ पे अभी बहुत कुछ लोग के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छा समय नहीं है उस, लेकिन इस 7 डेज में आपको रियलाइज करना होगा, अपने आप पे काम करना होगा, और अपनी खुद से भी अपने पर्सन को आप वाइब दीजिए। लेट्स सी, बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा वेटिंग है, नेक्स्ट 7 डेज थोड़ा सा मुझे लगता है आफ्टर 7 डेज कुछ हो सकता है, लेकिन ये कंडीशंस पे है, आपके निर्भर करता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 महीनों के अंदर मेरी यूनियन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट है तो वो बहुत अच्छी तरह से खत्म भी हो सकता है। लेट्स सी और कुछ देखते हैं क्या कुछ निकल के आ सकता है। फॉरगिवनेस, देखिए कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं लाइफ में, वहाँ फॉरगिव करें अपने, अगर जिस पर्सन को विश कर रहे हैं तो उनकी गलतियों को थोड़ा सा फॉरगिव करके आगे चलें, और बैलेंस बिठाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जी बैलेंस बिठाने वाली ही लग रही है, तो कुछ चीज़ों को अगर माफ़ करेंगे तभी नई चीज़ें, नए आंसर्स आपको आएंगे। लेट्स सी देखते हैं क्या कुछ है। टेक एक्शन, बिल्कुल एक्शन लीजिए, अगर आपको कहीं से वाइब आ रही है तो एक्शन लेना बनता है आपका, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, रियूनियन नहीं हो पाएगा, और नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं किसी के साथ तो आपको थोड़ा वाइब देना होगा, इनिशिएट आपको करना होगा, इससे आपको बिल्कुल भी हेल्प मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। तो यू वर्सेस देम की रीडिंग आज हो गई है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या कुछ हो सकता है मैंने बताया, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।